महाराज परीक्षित जी भगवान से प्रार्थना करी प्रभु कि मेरे भगवान तुम्ही दो सहारा, अरे मेरे भगवान तुम्ही दो सहारा, और कोई सहारा भगवान तुम्ही तो सहारा। और राजकुमार भैया गोपा माऊ की तरफ से भगवान के चरणों में 501 रुपये दान हो रहे हैं। और कोई सहारा नहीं है, ना मझधार में हमारी कोई किस्ती भी भैया नहीं है। खुआए मगर ऐसा कोई ना खुआए मगर ऐसा कोई इस जीवन में आया नहीं है। अपना कहकर मैं किसको बुलाऊं, अपना कहकर मैं किसको बुलाऊं, भैया दुनिया वाले सितम धार हैं तो पतंग भी आने लगी है। दिल के टुकड़े ही टुकड़े हुए हैं, दिल के टुकड़े ही टुकड़े हुए हैं। ऐसा कोई दिलदार नहीं है, दिल के टुकड़े ही टुकड़े सुबह होते ही परिचित महलों से निकल पड़े, जो ही गंगा के किनारे पहुंचे लोगों भगवान का भजन किया, गंगा में स्नान किया। सुखदेव जी कहने लगे तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? बोले महाराज अब कुछ नहीं, एक पुष्प की आवश्यकता है, अगर एक फूल मिल जाए उसी समय। महाराज परीक्षित जी ने एक कमल का पुष्प मंगाया, जिस फूल के अंदर उस तर्चक ने अपना भेष छुपा लिया और फूल के अंदर बैठा, छोटा सा कीड़ा बन गया फूल के अंदर बैठा। जिस फूल को लिया राजा परीक्षित ने पहचान नहीं पाया। संध्या का समय हो रहा है, भगवान की कथा को श्रवण करने के बाद महलों में पहुंचे, अपनी प्रिय रानी नबलदे को वो फूल दे दिया। नबलदे नाग वंश की कन्या है,
तचक नवलदे का सगा भाई है। महाराज परिचित भवन में चले गए, नवलदे ने उस फूल को लिया, उस फूल में बैठे हुए नाम को याद करने लगी। भैया जब मेरे पिता ने कहा तुम वही करोगे, इस फूल के बाहर आ जाओ, उस जहरीले नाम को बैन के ऊपर जरा सा भी तरस नहीं आया। शाम हो गई, अलमारी में पुष्प को रख दिया, पुष्प को रखने के बाद भोजन को बनाया, अपने स्वामी को भोजन करवाया, उस पुष्प को भूल चुकी है और जाकर के अपने पिया के साथ सो जाती है। जो ही सो गई, रात के जो ही 12 बजे उस जहरीले नांग तक्षक ने अपना सर्प का भेष बनाया, राजा परीक्षित के महल में भटकने लगा, घूमने लगा। जो ही देखने लगा, महाराज नवलदे अपने पिया के साथ सो रही है। इधर क्या हुआ लोगों, मेरी माताओं बहनों से एक सूचना है, रात्रि में जब पलंग पर लेटे अपने केशों को बांध करके लेटे, जूड़ा लगा रखा है ब्रह्मा जी की कृपा से, कभी चरपैया के ऊपर सर्प चढ़ नहीं सकता, ये भगवान ब्रह्मा का श्राप है। महाराज नवलदे ने जैसे ही करवट बदली, लंबे लंबे केस और वो केस पृथ्वी पर लगे, केसों को पकड़ करके वो तचक परीक्षित के पलंग पर पहुंचा। जो ही राजा परीक्षित के पलंग के ऊपर पहुंचा है, सूरज चंद्रमा से जोड़ी देखी, तचक ने विचार किया सुंदर तो जोड़ी है लेकिन पिता का वचन मानने के साथ साथ इस परीक्षित को डसना हमारा धर्म है। आधी रात के समय उस जहरीले नाग ने राजा परीक्षित को काट लिया और महलों से निकल गया। गजब हो गया है लोगों, सुबह 4 बजे, सुबह के 4 बजे नवलदे ने पलंग को छोड़ करके आंगन को बुआरा, सुबह ही होते हुए देखा महाराज परीक्षित जगे नहीं। एकदम से अचानक उसे अपने पिया की याद आ गई, दौड़ करके अलमारी में वो पुष्प को नहीं पाया और दौड़ी अपने पिया के पास में पहुंची। उस समय महाराज परीक्षित का सारा शरीर काला पड़ गया है और जगाने लगी, स्वामी आंखें खोलो। अरे देर भाई बड़ी देर भाई, अरे प्रीतम माता गति देर भाई, आप बोल पिया। अरे देर भाई बड़ी देर भाई, प्रीतम नहीं जागति देर भाई, कौन से निदिया में पिया मेरे सोई रे, कौन से निदिया में पलम मेरे सोई रे, प्रीतम नहीं जागति देर भए, सैया नहीं जागति देर भए, आंख खोल पिया, सैया मेरे तुम कहां गए, बारह तक मुख से बोलियो,
एक बार तुम कसे बोलियो मेरे कहने पे आंखी खोलियो प्रीतम मेरे राजा मेरे तुम कहां गए क्या बन रुपया राजकुमार मेरे बाजा पे राजकुमार अमर हुई हो भैया जी हो तुम पर कमियां खजाने में बुले झड़ा को राकेश यादव एक कदम खींच लिए तलवार अरे रुपया के कैसे राकेश यादव मेरे जिया